नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारे दो वर्ण वाले और तीन वर्ण वाले शब्द देखे थे। दैट मीन्स कि हमने सारे स्वर, व्यंजन और उसके बनते शब्द हमने देख लिए हैं, वो भी कैसे, बिना मात्रा के, राइट। हमने हमारे स्वर, कितने स्वर है हमारे, हमारे स्वर है 11, राइट। अ आ ई ई उ रु ए ऐ ओ और औ, राइट, हमारे 11 स्वर है। व्यंजन, व्यंजन है हमारे 33, राइट। क ख ग वो सारे व्यंजन, फिर हमने अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, क्ष त्र न और स्र, राइट, वो सब कुछ भी कर लिया है। अब हमने उससे बने शब्द भी देख लिए, अनुस्वार देख लिया है हमने, अनुनासिक देख लिया है, फिर दो वर्ण वाले शब्द, राइट, दो वर्ण जिसके अंदर दो वर्ण छुपे हो, जैसे कि हमने देखा है कि अगर मैं कहूंगी कि ब स, तो एक वर्ण और ये दूसरा वर्ण, राइट, फिर म ग न, एक दो तीन, तीन वर्ण से एक शब्द बना, यहां पर दो वर्ण से एक शब्द बना, राइट। ये ऑलरेडी हमने सब कुछ देख लिया है, राइट। आज हम सीखेंगे चार वर्ण वाले, कितने वर्ण वाले, चार वर्ण वाले। इसका मैंने एक पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है जो हम लोग देखेंगे और उसी में सीखेंगे चार वर्ण वाले शब्द, राइट। और चार वर्ण कैसे बनते हैं, जैसे कि अगर हम ऐसा कहा जाए कि ब प्लस र प्लस त प्लस द, ब र त न, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, हुए चार वर्ण, यस। तो इसी प्रकार शब्द बनता है बर्तन, क्या बनता है, बर्तन, राइट। फिर हमें एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण, इन सबको मिला के क्या बनता है, वाक्य बनते हैं, क्या बनता है, वाक्य बनते हैं। जैसे कि अब इधर मत जाओ, अब इधर मत जाओ, राइट, बन गया वाक्य, बर्तन जाओ, तो ओके, ये मात्रा वाला हो गया। अभी हम लोग सिंपल लिखते हैं, अब इधर मत रख, अब इधर मत रख, बर्तन इधर मत रख, बर्तन इधर मत रख, बन गया एक वाक्य, राइट। यहां पर एक दो वर्ण, यहां पर भी दो वर्ण, यहां पर तीन, यहां पर चार, तो चार वर्ण, तीन वर्ण, दो वर्ण, इन सबसे क्या बनता है, वाक्य बनते हैं हमारे, क्या बनता है, वाक्य। अभी हम लोग हमारे पेज नंबर 66 पर जो दिया है हम वो देखेंगे, हमारा एक वीडियो, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा ये हमारा पेज नंबर 66 है वो समझाया है, राइट। तो देखते हैं हमारा वीडियो, हिंदी स्टैंडर्ड फर्स्ट, राइट। नाउ स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में दो वर्ण वाले शब्द और तीन वर्ण वाले शब्द ऑलरेडी देख लिए थे, राइट। दो वर्ण में कैसे है, जैसे कि देखो इसमें मैंने दिया है ब प्लस स, तो बनता है दो व्यंजन, 1 + 2, दो वर्ण से बनता है दो व्यंजन वाले शब्द, दो वर्ण वाले शब्द, राइट। तो ये थे दो वर्ण वाले शब्द, जैसे कि बिना मात्रा के शब्द हमने देखे थे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने मात्राएं नहीं सीखी है। ब प्लस स बस, न प्लस ल नल, ह प्लस ल हल, और क प्लस ल प्लस इज इक्वल होता है कलश।
ये कितने, इसमें लास्ट शब्द में कितने वर्ण बने? तीन शब्द, राइट? तीन वर्ण है, कितने वर्ण? तीन वर्ण। तो अभी हमारे दो अक्षर वाले ऑलरेडी हमने शब्द बहुत सारे कर लिए हैं, तो अभी हम लोग दो वर्ण वाले अक्षर है ना उसके थोड़े से शब्द देखेंगे। वन, फल, हल, डस, मन, बस, कप, रथ, डर, घर, थक, टब, नल, थन, छल, गज, तट, जग, धन, जल, नाथ, दम, ढग, खत, चल, सच, तन, टन, पर, पल, खग, तक। ओके, तो ये सारे दो अक्षर वाले शब्द है जो आप लोगों को भी क्या करना है, रीड करना है। ओके, मेरे साथ साथ भी रीड कर सकते हैं आप लोग, और इस स्क्रीन को आप लोग थोड़ी देर पॉज करके आप लोग इसको दोबारा रीड भी कर सकते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, फिर हमने देखे थे तीन वर्ण वाले शब्द, जैसे कि देखो यहाँ पर ब प्लस त प्लस ख, तो तीन व्यंजन हुए, तीन वर्ण हुए, एक दो और तीन। तो तीन वर्ण से, तीन व्यंजनों से एक शब्द बना, राइट? तो उसके तीन अक्षर वाले थोड़े शब्द देख लेते हैं। रमन, तपन, गबन, अगर, मगर, करण, लहर। देखो आप मेरे साथ साथ रीड कर सकते हो। ओके, भवन, झटक, लटक, पटक, अमर, खबर, शहद, शहर, चमच, पकड़, झकड़, कमर, सफर, सड़क, कड़क, मटक, वजन, भजन, सफल, समय, परख, बतख, मटर, बहन, राइट? तो ये थे तीन अक्षर वाले शब्द। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके फिर सारे ये शब्द रीड कर सकते हैं। बार बार जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे शब्द को रीड करने की, उतना ही हमें आएगा, राइट? तो ये थे हमारे तीन अक्षर वाले शब्द। ओके, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में दो वर्ण और तीन वर्ण वाले हमने स्टार्ट कर लिए है, राइट? नाउ आज हम करेंगे चार वर्ण वाले शब्द। तो चार वर्ण वाले शब्द यानी कि क्या? तो आप देख सकते हैं कि ब र ग द, ब प्लस र प्लस ग प्लस द, चार व्यंजन हुए, एक दो तीन चार। चार वर्ण से यानी कि चारों के चारों व्यंजन है, राइट? इन चार वर्णों से चार वर्ण वाला शब्द बना। आज हम जो हमारे इस सेशन में सीखने वाले हैं चार वर्णन वाले शब्द। ओके नाउ, चार वर्ण वाले शब्द हमारी पाठमाला में पेज नंबर 66 पर हमें दिया है। कौन से पेज पर? पेज नंबर 66 पर। ओके, तो पेज नंबर 66 पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले है अजगर का हमें चित्र दिया है। किसका चित्र दिया है? अजगर का। तो हम देख के तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अजगर है, सांप है, राइट? पर हम तो हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि अ प्लस छ प्लस ग प्लस र, तो क्या बन गया? अजगर, अजगर बना। उसके बाद हमें देखो एक पेड़ दिया है, अभी इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ब प्लस र प्लस ग प्लस द, क्या बना? बरगद बना, बरगद। तो बरगद। फिर उसके बाद हमें देखो एक उपवन, उपवन यानी कि बाग बगीचा, उसका एक चित्र दिया है। तो उसका कैसे बनेगा? उ प्लस प प्लस व प्लस न, तो क्या बनेगा? उपवन, क्या बनेगा? उपवन। फिर उसके बाद देखते हैं हमें किसका चित्र दिया है, थर्मस का। हम चित्र देख के तो पहचान गए, बट अभी हमें तो शब्द भी रीड करने आ गए हैं ना। तो थ प्लस र प्लस म प्लस स,
तो क्या बना? थर्मस, थर्मस। फिर उसके बाद हमें दिए हैं शब्द, उन शब्द को हमें धीरे धीरे पढ़ना है और हम हमारी सी डब्ल्यू में भी लिखेंगे, है ना। तो चलो अभी मैं बोलती हूँ और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ ये शब्द बोलने हैं। कटहल, कटहल, कटहल एक सब्जी है, राइट। कटहल। फिर अदरक, अदरक। उबटन, उबटन, उबटन यानी कि हम लोग जब शरीर पर हमारे ऐसी एक मिट्टी आती है या तो हल्दी का कुछ लेप होता है उसको हम लगाते हैं, उसको कहते हैं उबटन। उबटन। अचकन, अचकन यानी कि कुर्ता। कटहल, अदरक, उपटन, अचकन। फिर उसके बाद सरकस, सरकस। फिर उसके बाद कसरत, कसरत। बर्तन, बर्तन। शलगम, शलगम। सरकस, कसरत, बर्तन, शलगम। कटहल, अदरक, उबटन, अचकन, सरकस, कसरत, बर्तन, शलगम। फिर उसके बाद हमें इस शब्द के बाद नीचे हमें एक पैराग्राफ दिया है तीन लाइन का, तो हमें क्या करना है, हमें उस तीन लाइन के पैराग्राफ को रीड करना है और फिर हम हमारी सी डब्ल्यू में उसको वन वन एक एक सेंटेंस एक एक वाक्य की तरह लिखेंगे। पहले मैं ये बोल कर पढ़ो, ये सारे वाक्य है वो रीड कर रही हूँ, ओके। आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है। शबनम इधर आ, शबनम इधर आ। उबटन मल, उबटन मल। नटखट मत बन, नटखट मत बन। टमटम पर चढ़, टमटम यानी कि घोड़ा गाड़ी, राइट। टमटम पर चढ़। सर्कस चल। कसरत पर नजर रख, कसरत पर नजर रख। अब घर चल। यह शरबत चख। बर्तन इधर रख। उपवन तक टहल, राइट। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था हम उसका क्या करेंगे, वाक्य बना देंगे इस तरीके से, राइट। इस तरीके से हम एक एक वाक्य, क्योंकि जहाँ पर हमारी खड़ी पाई होती है, जहाँ पर हमारा फुल स्टॉप होता है, वहाँ से दूसरा वाक्य शुरू होता है, तो हमने इसके वाक्य बना दिए। शबनम इधरा, उपटन मल, नटखट मत बन, टमटम पर चढ़, सर्कस चल, कसरत पर नजर रख, अब घर चल, यह शरबत चख, बर्तन इधर रख, उपवन तक टहल। तो आप लोग देखते होंगे कि इन सारे वाक्यों में हमने दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले हमने इतने शब्द सीख लिए। तो इन शब्दों से क्या क्या बन जाता है, हमारे वाक्य बन जाते हैं, क्या क्या बन जाता है हमारे वाक्य, राइट। नाउ हमारा पेज नंबर 66 है, उसमें लास्ट में हमें क्या दिया है, कुछ एक छोटा सा अभ्यास दिया है कि वर्ण चुनकर शब्द पूरे करो। तो हमें पहला जो शब्द है उसमें ट और ल दिया है, तो उसका क्या बनेगा, कटहल। क्या बनेगा, कटहल। तो हमें क और ह लिखना है, कटहल। फिर दूसरा शब्द देखते तो उसमें द और क दिया है, तो अदरक। क्या बनेगा, अ और र लगाने से अदरक पूरा शब्द बनेगा, है ना। फिर ब और न दिया है, बीच में दो बाकी है, तो बर्तन। क्या बनेगा, बर्तन। फिर थर्मस लास्ट वर्ड क्या है, थर्मस, ओके। तो देखो इसमें कई वर्ड है कि जी दो बार भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि र, अदरक, बर्तन में भी र लिखा, थर्मस में भी र लिखा, राइट। तो इन शब्द हमें देख के पता चल जाएगा कि इन कौन कौन से शब्द दिए, कटहल, अदरक, बर्तन और थर्मस। नाउ जैसे कि हमने दो वर्ण वाले शब्द थोड़े से रीड किए, थोड़े से तीन वर्ण वाले किए और अभी थोड़े से चार अक्षर वाले शब्द हम लोग रीड
कर लेते हैं, जैसे कि बचपन बचपन, चटपट चटपट, खटपट खटपट, नट खट नटखट, गपसप गपशप गपसप, मखमल मखमल, झटपट झटपट, करतब करतब, अदरक अदरक, समतल समतल, खटमल दशरथ, बरगद शरबत, हलचल हलचल, धड़कन धड़कन, चम चम चमचम, टम टम टमटम, दमकल दमकल, गड़बड़ गड़बड़। ओके, तो ये है चार अक्षर वाले शब्द। नाउ हमें होमवर्क में क्या करना है, इन चार वर्ण वाले शब्द जो हमारी बुक में पेज नंबर 66 में दिए हैं वो लिखने हैं, और जो हमारा वो पैराग्राफ था उसके हमने वाक्य बना दिए थे, तो वो वाक्य भी आप लोगों को लिखते जाना है, क्योंकि वाक्य ऑलरेडी दो शब्द, दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द से बनता है। ओके, तो ये था हमारा होमवर्क। थैंक यू। तो स्टूडेंट, आपने देखा वीडियो, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और हमने इसमें बहुत सारे शब्द भी देखे, दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले, चार वर्ण वाले, सारे शब्द हमने इसमें देखे। राइट, आप चाहे तो उस शब्द को आप लोग थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज करके फिर वो शब्द अपनी बुक्स में लिख भी सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, आप लोगों ने इसमें देखा एक पेड़ की बात हो रही थी, कैसा पेड़ था, अभी मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, ब प्लस र प्लस ग प्लस द, तो ये कौन सा शब्द बनेगा, बर गद, बरगद। बरगद यानी कि वडलानु झाड़, कोनु झाड़, वडलानु, राइट। तो बरगद पीपल का पेड़, ये दोनों पेड़ है, इन दो पेड़ों की पूजा होती है। राइट, आप लोग सोचते रहे कि पेड़ के बारे में, अभी मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी कि पेड़ है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ नहीं होते, वृक्ष नहीं होते, तो हमारा जीवन असंभव था, यानी कि जीवन जीना मुश्किल हो जाता। खाने पीने की चीजें, हमारे पहनने की वो चीजें, ओढ़ने की चीजें, या तो फिर हमारी कोई औषधियां है, कोई दवाइयां है, वो सब कुछ हमें कहीं ना कहीं पेड़ से ही, वृक्ष से ही प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रामायण महाभारत वो सब ग्रंथ आप लोगों ने देखे होंगे, या तो आप लोगों ने कुछ ऐसी सीरियल्स भी देखी होगी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी वहां पर क्या होता था, पहले के जमाने में जो गुरु आश्रम होता था वहीं पर जाके सब कुछ पेड़ वहीं पर जाके सबको लोग पढ़ाई करते थे। तो वहां पर आप लोगों ने खास देखा होगा कि एक पेड़ होता है और पेड़ के नीचे ही सारे जो विद्यार्थीगण होते हैं, छात्रगण होते हैं, वो सब कुछ के नीचे ही बैठ के विद्या प्राप्त करते थे। राइट, तो उसी समय से ये बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ है वो पूजा जाता है। राइट, तो पेड़ के बारे में हमने बात की कि पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिना पेड़ के यहाँ बारिश भी नहीं होती, जहां पर ज्यादा ग्रीनरी होती है वहां जल्दी बारिश हो जाती है। राइट, तो बारिश लाने में भी पेड़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राइट, और खास प्रकार की सबसे बात ये करें कि पेड़ है वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन वायु, क्या देता है, ऑक्सीजन वायु, क्योंकि जब भी आप लोग देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन वायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु निकालते हैं, और पेड़ ऐसे है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो आप लोग देखते हैं जहां पर ज्यादा ज्यादा ग्रीनरी होगी, ज्यादा ज्यादा पेड़ या वृक्ष लगे होंगे, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हवा मिलती है, क्या मिलती है, शुद्ध हवा। राइट, तो पेड़ हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि चार वर्ण वाले शब्द,
जैसे कि मैंने कहा कि उसमें बहुत सारे शब्द है, हम लोगों को क्या करना है कि हमें हमारी बुक में ये जो पेज नंबर 66 पर हमें जो शब्द दिए हैं, हमें जो एक छोटे छोटे वाक्य का एक पैराग्राफ दिया है, उन पैराग्राफ को मैंने वाक्यों में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप लोगों को उसी तरह वाक्य लिखने हैं और उसमें खासकर लास्ट में हमें क्या दिया है वो एक बार हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने हमारी बुक में तो देखा है पर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, वीडियो में देखा फिर भी हमें कैसे दिया है, प्लस प्लस ट प्लस डे प्लस ल और ऊपर हमें ब्रैकेट में दिया है घ अ म त र क। तो ये क्या है, कटहल है। क्या है, कटहल कटहल सही कटहल। फिर उसके बाद क्या दिया है, प्लस द प्लस डे प्लस क राइट, यहाँ प्लस है। ओके यहाँ पर क तो ये क्या है, तो इसमें आप लोगों को ब्रैकेट में अगर वर्ड दिए तो लगा कि देखिए हद नहीं अद रक क्या है अ द र क कटहल अदरक। फिर उसके बाद है व प्लस डे प्लस डे प्लस न, तो ये कौन सा शब्द है, बरतन। नहीं पता चलता तो उस ब्रैकेट में हमें जो जो वर्ड दिए है उसको यहाँ रख के एक बार ट्राई करो। जैसे कि ह दिया है बह न त न न, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता, बह अ न ऐसा भी नहीं होता, बर त न क्या होगा, बर त न। ओके फिर हमें दिया है लास्ट वर्ड थ प्लस र प्लस म प्लस स, तो थर्मस क्या होगा, थर मस थर्मस, कटहल अदरक बर्तन थर्मस। ओके तो ये है हमारे लास्ट पेज नंबर 66 पर जो लास्ट हमें एक्सरसाइज छोटी सी दी है वो देखो, इसमें पिक्चर नहीं दिए है, चित्र नहीं दिए, हमें उन जो ऊपर में शब्द दिए है उन शब्द को हमें इसमें रख के देखना है कि ये कौन सा शब्द बनेगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे शब्द देख लिए हैं, ओके तो हमें अभी आइडिया आ जाना चाहिए कि ये कटहली शब्द है, ये अदरक शब्द है, ये बर्तन शब्द है या ये थर्मस का शब्द है। ओके नाउ स्टूडेंट, आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये चार वर्ण वाला सेशन भी कम्प्लीट हमारा हो गया है। ओके तो यहाँ पर हमारे बिना मात्रा वाले शब्द यानी कि हम लोग एक वर्ण का हो, दो या तीन या चार या पांच या पूरा वाक्य बिना मात्रा का हम ऑलरेडी रीड कर सकते हैं और उसको हम हमारी बुक में लिख भी सकते हैं। अगर कोई बोलेंगे कि बर्तन रख तो हम लिख सकते हैं बर्तन रख, अब मत चल तो वो भी हम लिख सकते हैं अब मत चल राइट। ऐसा हम सिंपल सिंपल सेंटेंस अभी हम लिख सकते हैं राइट। नाउ स्टूडेंट, हम नेक्स्ट सेशन से हमारे मात्रा परिचय है चैप्टर नंबर 9। ऑलरेडी यहाँ पर मात्रा परिचय हमें दिया है, सिर्फ परिचय के रूप में, पर हम लोग सीखते भी जाएंगे, लर्न भी करते जाएंगे। ऑलरेडी आप लोग सेकंड में आएंगे तब भी आप लोगों को पूरे वीक में मात्रा आएगी, पर अभी जितनी है उतनी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके नाउ तो यहाँ पर ये सेशन में हमारा चार वर्ण का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।